राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा संस्थान ने गृह मंत्री के नाम ज्ञापन देकर महावीर जाट की जांच सीआईडी सीबी को सौंपने के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर विरोध दर्ज कराते हुए शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। आसीन तहसील के रूपुरा ग्राम में महावीर जाट की हत्या 20 फरवरी 2018 को कर दी गई थी। उसके बाद 21 फरवरी 2018 को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस थाना आसीन में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके 15 दिन बाद भी जांच अधिकारी द्वारा अनुसंधान सही दिशा में नहीं करने पर 30 अप्रैल 2018 को जाट समाज द्वारा आसीन थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आकर जांच DYSP बीरती चंद गुजर को सौंप दी गई और 15 दिन में राजफाश करने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। उसके 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी जिन लोगों पर संदेह था उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं की गई थी। सीआईडी सीबी द्वारा अभी तक कोई संतोषजनक जांच नहीं की गई, जिससे पूरे राज्य के जाट समाज में रोष व्याप्त हो रहा है और पूरे राज्य में जाट समाज आंदोलन करने पर आमदा हो रहा है। लाल जाट राजस्थान मेवाड़ जाट महासभा संस्थान भिलवाड़ा का प्रदेशाध्यक्ष की इस महावीर हत्याकांड के अंदर 7 महीने से समाज और आम जन का सहयोग लेते हुए प्रयासरत हैं, अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला और अभी गौरव यात्रा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री को 21 मेंबरों का जाट समाज मतलब उनसे मिलकर ज्ञापन देंगे और उनको करीबन 10 से 15 दिन दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की स्पष्टीकरण नहीं होने के बाद आम समाज को साथ लेते हुए विधानसभा में मतलब चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। फॉर्मल मांग महावीर हत्याकांड के बारे में 7 महीने से प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला। गौरव यात्रा के अंदर हम CM को ज्ञापन देंगे, 20-25 जनों की कमेटी मिलके, फिर भी हमारे को न्याय नहीं मिलता है। आने वाले विधानसभा में BJP को भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देंगे, 36 कौम को साथ लेके।